हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया ने आत्मघाती हेडर मारकर फ्रांस की जीत की आधारशिला रख दी थी और 40 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश का पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। उसी तरह मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने मुसलमानों को रिझाने के चक्कर में कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहकर आत्मघाती गोल दाग दिया था। पहले ही हिंदू आतंकवाद और हिंदू पाकिस्तान को लेकर विवादों में फंसी कांग्रेस को 2019 के चुनाव में हार की आशंका सताने लगी। बीजेपी ने जब इस मुद्दे को तूल दिया तो कांग्रेस के बयान बहादुर सामने आए, लेकिन फिर भी हालात नहीं संभल रहे हैं। सो अब राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सफाई दी है। मुस्लिम पार्टी वाले बयान पर कांग्रेस की सफाई, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी सफाई। धर्म, जाति और आस्था हमारे लिए नहीं रखती मायने। शोषित हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के हैं साथ। कांग्रेस सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कहती है, लेकिन हाल के कुछ दशकों में आम जनमानस में उसकी इमेज एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम पार्टी की बन गई है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी और आरएसएस ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि कांग्रेस इस जाल में उलझ कर रह गई। कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताने वाले कथित बयान पर मचे घमासान के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए पार्टी की विचारधारा को सामने रखा। इस ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा शोषित के साथ खड़ी रहती है, धर्म जाति उसके लिए मायने नहीं रखती। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मैं पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़े शख्स के साथ हूँ, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए लोगों के साथ हूँ, उनका धर्म, उनकी जाति, आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस हूँ। राहुल का ये ट्वीट मुस्लिम पार्टी विवाद पर उनका जवाब माना जा रहा है। दरअसल एक उर्दू अखबार में राहुल गांधी के हवाले से हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है हेडलाइन वाली रिपोर्ट छपी थी। कांग्रेस इसे खारिज कर रही है, वही बीजेपी इसको लेकर लगातार राहुल पर हमलावर है। राहुल गांधी जो ट्वीट करके अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति के उदय के विषय में बात करते हैं, इससे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और जहां तक कतार में आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति की बात है, अगर आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति तक कांग्रेस ने सहूलियत पहुंचाया होता तो आज ये हश्र कांग्रेस का नहीं होता कि कतार का आखिरी व्यक्ति आज कांग्रेस को छोड़ चुका है। कतार में चाहे पहली पंक्ति में हो चाहे आखिरी पंक्ति में हो, हिंदुस्तान को जिस तरह से बांटने का काम जातिवाद, तुष्टिकरण और परिवारवाद के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका हश्र हमने देखा है। पिछले हफ्ते एक उर्दू अखबार ने रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश को मजहब के आधार पर बांटने का आरोप लगाया तो खुद पीएम मोदी ने भी आजमगढ़ में इसको लेकर तंज कसा और ये पूछा था कि कांग्रेस बताए कि वो सिर्फ मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं की भी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे, आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए
कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है। जवाब में कांग्रेस ने अखबार की रिपोर्ट को गलत बताते हुए बीजेपी पर गलत न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी स्टैंड करती है, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। किसी एक वर्ग का कहें कि ये ही हमारे इन्हीं का सब हम इंटरेस्ट को देखते हैं, हित को ध्यान में रखते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। चाहे वो जो भी अल्पसंख्यक हों, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़ा वर्ग हों, सामान्य वर्ग हों, सबका प्रतिनिधित्व अगर करता है कोई दल, वो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी एक के लिए कह दें कि हम आप के लिए हम भी काम करते हैं, तो ये किसी भी तरह से भी उचित नहीं है। और जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, फर्जी कह रहा है, बकवास कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आज राजनीतिक दौराहे पर खड़ी है। वो तय नहीं कर पा रही कि मोदी के उग्र हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़े या फिर अपने पुरानी इमेज को बरकरार रखे। शायद तभी राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनकर मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी इफ्तार पार्टी देते हैं तो कभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करके उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में कई बार जाने अनजाने फंस भी जाते हैं राहुल गांधी। और अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा था या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन पार्टी लगातार इस बात का खंडन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।